नमस्कार दोस्तों, बचपन में वो वाली कविता तो आप लोगों ने जरूर पढ़ी होगी जिसमें बताया जाता है कि हम सभी के पूर्वज एक बंदर ही थे। इसका ये मतलब हुआ कि इंसानों की उत्पत्ति एक बंदर से हुआ था। दोस्तों, अगर ये बात सच है तो आज भी जंगलों में बंदर पाए जाते हैं। वो सभी बंदर इंसान में आखिर क्यों नहीं बदल पाए? अगर मानव का निर्माण बंदर से हुआ है तो क्या आज के इंसानों को बंदर में फिर से बदला जा सकता है? कुछ ही बंदर विकसित होकर मानव बने तो सभी बंदर आखिर इंसान में क्यों नहीं बदल पाए? क्या मनुष्य सच में पहले बंदर हुआ करता था या फिर केवल ये एक कल्पना मात्र है? अगर विज्ञान कहता है मानव पहले बंदर था तो बचे हुए बंदर अब तक मानव क्यों नहीं बन पाए? क्या अभी भी एक बंदर को इंसान बनाया जा सकता है? क्या बंदर केवल इंसान में ही बदल